हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल रसोई। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी रेसिपी लाई हूँ। उसका नाम है वेजिटेबल स्टर फ्राई। इसे मैं ढेर सारी फ्रेश वेजिटेबल से बनाऊंगी जो कि हमारी हेल्थ को भी और भी इम्प्रूव करेंगी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेजीज को ब्लांच कर लेंगे। पूरा नहीं उबालना है, बस ब्लांच करना है। इसके लिए मैंने एक पैन में ये पानी गर्म करने के लिए गैस पे रख दिया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। मिला दें इसे। पानी गर्म हो गया है, अब इसमें हार्ड वाली वेजीज डालें। सारी वेजीज नहीं डालनी है, हार्ड वाली, जैसे गाजर ऐड करें। इसे मैंने स्क्वायर शेप में कट किया हुआ है। अब बीन्स ऐड कर दें, इसे मैंने डायमंड शेप में कट किया है। अब कॉर्न ऐड करें और ब्रोकली भी ऐड कर दें। चला दें इसे। बस इतनी ही वेजिटेबल्स को ब्लांच करना है, बाकी जो बची हुई है ना प्लेट में उनको अलग रख देंगे। पानी में बॉईल आ गया है अच्छे से। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और बस 2 ही मिनट इन्हें ब्लांच करेंगे, वरना वेजीज की क्रंचीनेस कम हो जाएगी। हमारी ये स्टर फ्राइड डिश एक चाइनीज डिश है, इसमें क्रंची वेजीज ही अच्छी लगती है। 2 मिनट हो गए हैं, मैंने गैस ऑफ कर दी है। अब मैं इन वेजीज को एक स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लूंगी। ये देखिए, स्ट्रेन कर लिया मैंने। अब इन वेजीज को तुरंत बर्फ के ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि इनकी क्रंचीनेस बनी रहे। थोड़ा स्पून से ऊपर नीचे चला दें ताकि ठंडा पानी अच्छे से सारी सब्जियों में लग जाए। इनको डूबा रहने देंगे। अब मैं पैन में तिल को रोस्ट कर लेती हूँ। इसके लिए एक पैन मैंने गैस पे चढ़ाया है, इसमें तिल डाल दिए हैं और चलाते हुए इसे ड्राई रोस्ट कर लूंगी। फिर इन्हें ड्राई रोस्ट हो गए हैं, अब इसे दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब मैं स्टर फ्राई बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब एक पैन गैस पर चढ़ा देंगे, उसमें तिल का तेल डालेंगे। अब वेजीज को जो हमने ठंडे पानी में रखी थी ना, उनको पानी से बाहर निकाल लेंगे, स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे और फिर एक बोल में उन्हें रख देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे, थोड़ा सा चलाएंगे। इस समय फ्लेम फुल पर होगी। अब इसमें अदरक ऐड कर दें, हरी मिर्च ऐड करें, थोड़ा सा चलाएं, इसे बराबर चलाते रहें। प्याज ऐड करें, चलाते रहें, 1 मिनट तक चलाएं। अब 1 मिनट हो गया है, अब इसमें ग्रीन कैप्सिकम ऐड करें, येलो एंड रेड बेल पेपर ऐड करें, इन्हें मैंने स्क्वायर शेप में कट किया हुआ है। 1 मिनट तक चलाएं इन्हें, फ्लेम फुल पर ही रहेगा बराबर। अब इसमें पर्पल कैबेज ऐड कर दें, चलाएं इसे, अच्छे से चलाना है। अब इसमें ब्लांच की हुई वेजिटेबल्स ऐड करें और स्वादानुसार नमक ऐड कर दें। 1 मिनट तक फिर चलाएं इसे। अब इसमें व्हाइट पेपर ऐड कर दें, चलाएं इसे थोड़ा। अब इसमें व्हाइट विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर दें। अच्छे से चलाते हुए बढ़िया सा मिक्स करेंगे। सच में ये इतना ज्यादा टेस्टी होता है ना कि कितना भी खा लो मन भरता ही नहीं है। कभी भी हम इसे खा सकते हैं। सब चीजें देखिए अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और अब इसमें रोस्ट किए हुए जो तिल हमने पहले रोस्ट किए थे ना, वो ऐड कर देंगे। मिक्स करें। ये लीजिए, मेरा स्टर फ्राई बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। हमारा स्टर फ्राई बनके तैयार है, बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अगली चाइनीज रेसिपी में कौन सी बनाऊं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए और आप देख सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। स्क्रीन पे जो ये स्नैक्स की प्लेलिस्ट दिख रही है ना, इसे क्लिक करके आप लोग ग्लोबल रसोई की अलग अलग रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छी लगे बना के जरूर देखिएगा।